राम राम बे सारी बाणा ने गठिया बा जोड़ा का दर्द अर्थराइटिस और बे जोड़ा के दर्द में सूजन इस दर्द ते मेरी 40+ की जो बहन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान तो 30-35 साल की भी हैं पर जो 40+ में जो मेरी बहन है उनका ये बीमारी है बहुत ज़्यादा है और यह बीमारी बे मेरे भी होगी थी। मैं भी इस तरह बहुत परेशान थी तो ज़्यादा परेशान होगी तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला अभी तेरे एक हाथ की जो कोहनी है उसकी हड्डी बद रही है और एक में स्टार्टिंग हड्डी बदने की और एक जो मेरा घुटना है उसमें गैप हो रहा है और दूसरे में जो गैप है वो स्टार्ट हो गया है और जो मेरा गठिया बा है यानी कि आर फैक्टर है मेरा वो भी बढ़ रहा था वे 29 और ये होना चाहिए नॉर्मल 14। तो डॉक्टर ने बोला भाई ये दवाई है जो वो तने सारी उम्र खानी पड़ेंगी जब जाकर तू ठीक रहेगी। ठीक है दवाई ले आई भी मैं तो दवाई मैंने 4-5 दिन खाई। दवाई खाने के बाद मैं तो ज़्यादा बीमार होगी तो मैंने सोचा ये तो क्योंकि दवाइयाँ में स्टीरोइड बहुत ज़्यादा हुआ है जो कि जोड़ा के दर्द की कोई भी दवा आप लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टीरोइड हुआ है तो वो शरीर पर जैसे हमले में है तो शरीर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है तो वह दवाई हमने ज़्यादा ही बीमार करते हैं इतना आराम नहीं करती जितना हमने दुखी करते हैं हम और ज़्यादा बीमार हो जाए हैं। तो मैंने यो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा है जितनी मैं बीमार थी नहीं दवाई लेने के बाद मैं इतनी बीमार होगी कि बहुत ज़्यादा मेरे से उठा नहीं गया मैं दवाई जब मैं खान लगी तो मैंने वह दवाई बंद कर दी। ये है मई के महीने की बात तो मैंने दवाई बिल्कुल बंद कर दी 4-5 दिन खाई मैंने तो मैंने अपना योग शुरू कराया भाई मैं 1 घंटा प्राणायाम करती ये अनुलोम विलोम कराया मैंने और ये कपालभाति किया और वे अपने जो एक नॉर्मल तेल है उसकी मसाज करी मैंने अपने सारे जॉइंट्स पे और धूप में बैठ कर मैं हर रोज़ ये मैं सुबह 1 घंटा करती एक्सरसाइज करती योगा और प्राणायाम किया मैंने और दिन में जैसे ARS लेडी सूट है अपना जो अपनी शॉप है भाई इसमें काम भी बहुत ज़्यादा रहा जैसा मैंने टाइम मिलता मैं 1/2 घंटा धूप में बैठती जैसे गर्मी का महीना था मई में तो लोग AC में पर मैं धूप में बैठती और अपनी एक्सरसाइज करती और भी अपने जो जॉइंट्स हैं मेरे सारे इनकी मसाज करती मैं। तो मैंने 1 महीने में रिजल्ट मिला मेरा आधा आराम दिखा मैंने भी कोई मैंने किसी की दवाई नहीं ली किसी से मैंने पूछा नहीं भी मैंने क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने अपना पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप तक शेयर करूँ जो मेरी बहन है दुखी है वो दुखी मत हो यो अग भाई मेरे यह दिक्कत होगी मेरा जॉइंट्स पेन हो गया गठिया बा हो गया घबराइयो मत जो मेरा अपना तजुर्बा है अपना एक्सपीरियंस है मैं आप तक शेयर करने लग रही हूँ। इसीलिए भी मैंने 1 महीने में रिजल्ट दिखा मैंने कि मेरा आराम है तो मैंने ईब 2 महीने हो गए अपना दोबारा तो टेस्ट करवाया है आज तो जो यो आर फैक्टर है वो 14 होना चाहिए मेरा 12.6 आया है तो मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ कि भी मैंने सिर्फ दो महीने मेहनत की है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो मैंने इस दौरान के खाया के छोड़ा वो भी मैं आपको बताऊँगी वे जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे लस्सी है दही है ज़्यादा खट्टी हो मत खाइयो जो नॉर्मल है सुबह के टाइम आप अगर खट्टी नहीं है तो दही आप ले सको हो जैसे बाई की चीज़ है भाई चावल है भिंडी है अरवी है गोभी है ये चीज़ सब बिल्कुल मैंने बंद कर दी। कोई भी प्रोटीन वाली चीज़ जैसे दूध घी दूध अगर लेना है आपका ज़्यादा ही मन है तो आप मलाई उतार कर दूध लो जब तक आपका ये नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक उसके बाद आप आराम आराम से स्टार्ट कर सकती हो लेस को हो। तो रात के समय तो बिल्कुल भी कोई भी ऐसी बाई की चीज़ जिससे आपका वात रोग बढ़े यानी कि बाई बढ़े बिल्कुल भी ना खाएं और खाना आप जितना जल्दी हो सके सामने जल्दी खाओ। जो मैंने करा मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो जो काम मैंने किया जो जो एक्सरसाइज की जैसे मसाज की अगर आपका सूजन है जोड़ा पे तो आप दबा का मसाज ना करें हल्के से मसाज करें आपने जैसे यहाँ जॉइंट्स में अगर आपको सूजन है तो आप भी हल्के से मसाज करें और इसकी एक्सरसाइज ऐसे
करके नाप करा आराम से। तो ये सब काम मैंने कराया, 2 महीने हो गए, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है और भी मैं खुश भी हूँ। तो आप डरियो मत भी, हमारा यो रोग है तो हम कैसे ठीक होंगे, जब मैं कर सकू हूँ तो आप भी कर सको। मैं भी एक गृहिणी हूँ भी, जब मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूँ तो आप सब भी निकाल सको। सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा अपने शरीर ने दो भी, हम स्वस्थ होंगे जब तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा। अगर हम बीमार हैं तो बच्चे की, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हम केयर कैसे कर सकेंगे। तो जरूरी है भी हम अपने आप ने स्वस्थ रखें, और जब भी हमारा परिवार स्वस्थ होगा। और भाई मैं किसी संस्था से नहीं जुड़ रही या किसी दवाई की मैं पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और हाँ, अगर आपके घर में एलोवेरा है, ताज़ा है, आप उसको काट के और उसका ऊपर नीचे का पहले आप उसकी कटिंग करें और ऐसे जहाँ से उसका कटा हुआ मुँह है उसको नीचे करके ऐसे रख दे, उससे येलो कलर की जो लेयर है वो निकल जाएगी थोड़ी देर में। तो आप उसको कटिंग करके और भी आप मिक्सी में उसका जूस बना के सुबह खाली पेट वो ज़रूर पिए। और आप उसके तो एक गिलोय की गोली आप सुबह ले सको हो। ज़्यादा गर्मी है आपके पेट में तो आप एक गोली लो, अगर भी नॉर्मल है तो आप 2 ले सको हो। तो आप एलोवेरा का सुबह शाम जरूर जूस पिए। और भी जो भी आपके घर में ऐसी चीज़ हैं, जैसे अगर आपको चावल खाने का ज़्यादा मन है तो आप उसमें तेज पत्ता, इलायची, लौंग ये डाल कर वो चावल बनावें तो थोड़ा बहुत आप वो ले सकते हो। और भी लौंग का, इलायची का और ये काली मिर्च का आप मसाला बना के उसको तवे पर भून कर मसाला बना के रख लो। अगर आपका दही खाने का थोड़ा बहुत मन है तो वो आप उसमें डाल कर वो आप दही ले सको, क्योंकि जो उसमें बाई का जो रोग है दही में, वात रोग है, ये जो चीज़ आप उसमें मिलाओगे तो उसको कम कर देगा। तो आप सुबह ताज़ी दही ले सको हो। तो भी मैंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं ठीक हुई हूँ वो मैंने आपसे शेयर करा है। मैंने इसलिए शेयर करा है कि मेरी भी जो गृहिणी बहन है, जो वर्किंग वीमेन है, वो स्वस्थ रहें भी, सुबह से शाम तक काम होगा। जैसे मेरा भी मैं अपना घर भी संभालू हूँ, RS लेडी सूट पे जो मेरा काम है भी मैं वो भी संभालू हूँ। जब मैं इतना होते हुए अपने लिए समय निकाल सकूँ तो आप भी जरूर निकाल सको हो। तो वे जिस तक ये वीडियो मेरी पहुँच रही है वो बहने, अगर जिसको ये बीमारी है तो ये ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भी जिन बहनों को ये दिक्कत है वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद।